9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा दावा किया। केसी त्यागी ने बताया कि इंडिया अलायंस की ओर से नीतीश को बड़ा ऑफर मिला था। इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के इस ऑफर को ठुकरा दिया। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे थे, लिहाजा जेडीयू ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जेडीयू ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक पहले इंडिया अलायंस के ऑफर का राज क्यों खोला? नीतीश को पीएम पद का ऑफर मिलने की बात बताकर जेडीयू प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही? कहीं जेडीयू सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी पर दबाव तो नहीं बना रही? क्या फिर इस फॉर्मूले के बारे में बताकर जेडीयू नीतीश कुमार का कद बढ़ाना चाहती है? वैसे कल हुई संसदीय दल की बैठक में नीतीश साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे। ये बात अलग है कि उस दौरान नीतीश ने इशारों में अपनी शर्तें भी रखी थी। वहीं केसी त्यागी के दावे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में इससे इनकार कर दिया। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है।